आज हम बात करने वाले हैं Adobe Photoshop 7.0 पर Instagram का लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वर्मा और आप देख रहे हैं Adobe Info। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको Adobe Photoshop ओपन कर लेना है, देन यहाँ पर आपको कंट्रोल एन प्रेस करके आपको साइज यहाँ पर वेट रखना है, आपको 3000 एंड देन हाइट आपको ये रख लेनी है। ओके पिक्सल कर लेंगे यहाँ पर, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसमें आपको सबसे पहले ये ले लेना है। ओके लेने के बाद अब आपको यहाँ पर इसे वाइट कर लेंगे, सॉरी फिलहाल के लिए ब्लैक कर लेंगे। ओके करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके एल्ट प्रेस करेंगे इस तरीके से। करने के बाद अब आपको यहाँ पर अब आपको पेन टूल का यूज करना है, यहाँ पर इसे इस तरीके से करके आपको यहाँ पर ऐसे कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट रख के आपको एक यहाँ पर रखना है इस तरीके से करके, कंट्रोल एंटर प्रेस करके डिलीट करेंगे, देन ऐसे यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से करके कंट्रोल एंटर डिलीट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर इस तरीके से करके कंट्रोल एंटर डिलीट एक यहाँ पर लगाएंगे ऐसी पॉइंट, कंट्रोल एंटर डिलीट एंड कंट्रोल डी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करके कंट्रोल टी करना है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके आपको इस सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके इस तरीके से कर लेना है। ओके एंटर करेंगे, एंटर करके आपको फर्स्ट लेयर पर कंट्रोल एक्स कर देना है। करने के बाद कुछ ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद ये वाला इस वाले लेयर को डिलीट कर देना है आपको फिलहाल के लिए, तो ये इसे कंट्रोल टी करके आपको इसे छोटा कर लेना है इस तरीके से। एंटर करेंगे, एंटर करके ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्किल ले लेना है, ये वाला सर्किल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, इसे वाइट करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, सबसे पहले एल्ट प्रेस करके आप इस तरीके से करेंगे। करने के बाद यहाँ पर अब कंट्रोल जे कर लेना है, करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर छोटा कर लेंगे इसे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आएंगे ऊपर वाली लेयर पर, कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करके नीचे वाली लेयर पर कंट्रोल एक्स करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। होने के बाद अब आपको यहाँ पर इसे फिलहाल के लिए हाइड करेंगे, इसे यहाँ पर रख लेंगे। ओके रखने के बाद अब आपको ये वाला ले लेना है, इसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से। एंटर करके आपको इसे यहाँ पर रख देना है, देन यहाँ पर इसे बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। एंटर करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। ओके रखने के बाद अब आपको यहाँ पर इन्हें ग्रुप कर लेना है, ऊपर वाली लेयर को नहीं करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस वाली लेयर पर। इस वाली लेयर पर डबल क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ग्रांटेड ओवरले में आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर येलो ले लेंगे। ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप 5 कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पर हम रेड लेंगे,
ओके करेंगे। ओके करने बाद यहाँ पर 50 कर देंगे। ओके करने के बाद इस वाले पर भी आपको ब्लू कर देना है। इस वाले लेवल पर 75 कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आप 50 कर देंगे। ओके 50 करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इन्हें भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ओके कंट्रोल ए प्रेस करके आपको इन्हें सेंटर कर लेना है, कंट्रोल डी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।